आज हम लोग मैथ्स में शेफ्स नेम पढ़ेंगे। शेफ्स नेम आपको मैंने पहले कॉपी में पेस्ट के थ्रू दिखाया था, लेकिन आपको शायद समझ में नहीं आया, आपको एक बार फिर से बोर्ड पर बता देती हूँ शेफ्स नेम। ओके, मेगा शेप्स क्या है? सर्कल, गोल है ना, गोल चीज को कहते हैं सर्कल। ओके, सी आई आर सी एल ई, सर्कल। अच्छा, सर्कल की जैसे क्या चीज होती है अपने घर में या अपने आसपास? एक तो रोटी भी गोल होती है सर्कल शेप्स में, है ना, और पैसे जो आपको मम्मी अगर कुछ खाने के लाने के लिए देती है तो वो भी गोल होते हैं सर्कल शेप में। और क्या होता है सर्कल शेप में? अपने नहाने का टब, बाल्टी भी गोल सर्कल शेप में होती है। ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो गोल होती है सर्कल शेप में, जैसे फैन भी सर्कल होता है। तो उस तरीके से जो भी गोल चीजें होती है उसको हम बोलेंगे सर्कल शेप में। ओके, हम लोग शेप्स नहीं पढ़ रहे तो वो सर्कल शेप में। अब ये है ट्राइंगल, इसके तीन कोने होंगे, इसे बोलेंगे ट्राइंगल। ये कोने को बोलते हैं एंगल, तो ये थ्री एंगल्स है उसको हम बोलेंगे ट्राइंगल। अच्छा, ट्राइंगल की शेप में क्या होता है? एक तो ट्राइंगल की शेप में समोसा होता है जो अधिकतर बच्चों को अच्छा लगता है, ठीक है, समोसा। और क्या होता है ट्राइंगल के शेप में? आप लोग कहीं घूमने जाते हो तो देखते होंगे पहाड़, पहाड़ भी ट्राइंगल शेप में ही होते हैं, है ना। और क्या होता है ट्राइंगल शेप में? आप क्रिसमस डे पर आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, क्रिसमस ट्री भी एक ट्राइंगल शेप में होता है ना। तो जो भी ट्राइंगल शेप में थ्री एंगल शेप में होंगे उन्हें आप ट्राइंगल बोलेंगे। अब है स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स फोर बॉक्स, मतलब फोर एंगल को और एक बॉक्स बनता है उसे बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर शेप में एक तो हमारा रूम भी होता है, किसी का रेक्टेंगल में भी होता है, किसी का स्क्वायर में भी होता है। ओके, और हमारी कॉपी का पेज भी स्क्वायर शेप में होता है, है ना। और ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो स्क्वायर शेप में होती है। ओके, अब हम पढ़ते हैं ओवल। ये शेप में अंडे के आकार का है ना, इसे कहते हैं ओवल। ओवल मीन्स अंडे के आकार का शेप। इधर है कोन, मेहंदी का कोन भी शेप में आता है। ओके, और आइसक्रीम का कोन आता है वो भी शेप में आता है, ठीक है। ये है हार्ट, हार्ट कहाँ होता है, हार्ट का शेप क्या होता है? हमारी बॉडी में ही हार्ट होता है लेफ्ट साइड में, जो इस टाइप का होता है, इस शेप में था, उसके कहते हैं हार्ट। हार्ट का कलर क्या होता है? रेड। हाँ, अब है रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल का शेप है, रेक्टेंगल तो आपका ये बोर्ड भी रेक्टेंगल शेप में, देखो, है ना, क्योंकि इसके चारों एंगल अलग अलग है, इधर के एंगल थोड़े छोटे हैं, इधर के एंगल थोड़े लंबे हैं, तो ये ट्राइंगल रेक्टेंगल शेप हुआ। हमारी जो बेंच होती है वो भी रेक्टेंगल शेप में होती है, हमारा मोबाइल भी रेक्टेंगल शेप में होता है, हमारा डस्टर, ऐसे हमारे घर में कभी कभी हॉल भी रेक्टेंगल शेप में होता है, तो उसे रेक्टेंगल शेप। अब ये है स्टार, स्टार तो आपने देखा होगा आसमान में, बादल में, नाइट में स्टार दिखते हैं, तो स्टार इस तरीके के होते हैं। जब आप अपनी कॉपी में कोई होमवर्क करते हो या क्लास वर्क करते हो तो आप बहुत सुंदर से सुंदर राइटिंग लिखते हैं, तो टीचर्स आपको क्या देती है? स्टार देती है ना, तो इसे कहते हैं स्टार। अब ये है सेमी सर्कल, मतलब आधा गोला। ये सर्कल मीन्स पूरा गोला था ना, ऐसे ये सेमी सर्कल